खाली नहीं, हम जो कंसर्न आपका देख रहे हैं, सो यू हैव ओपन पोर्स एट द एज ऑफ 24, इट्स नॉट गुड. सो बेसिकली स्किन इज ऑयली और पहले कभी पिंपल्स हुए हैं जिसके बॉक्स का और पिट्स मार्क्स हैं और अभी भी आपके एक्टिव पिंपल्स जॉ लाइन पे हैं जो पिगमेंटेसिस दे रहे हैं, राइट. और अनइवन टोन है जो आपके पेरीओडल हाइपरमेलानोसिस दिख रहा है तो अंडर आई भी डलनेस है. एंड स्किन में जो एक इवन टोन होती है, लाइक टेक्सचर जो होती है वो स्मूथ नहीं है. ये कंसर्न्स जो मैं देख पा रही हूँ. रेमेडी की बात करें, ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो अगर हम पहले चले रेजुविनेशन से, तो रेजुविनेशन में यू नीड सम इवेंट टोन जिसके लिए हम पील्स प्लान कर सकते हैं. उसमें हाइपर पिगमेंटेशन जो पेरी ओरल है वो भी कंसर्न अच्छा होगा, अंडर आई रेजुविनेशन भी होगा. एंड ऑयल कन, बिकॉज हम पील्स में वो मॉलिक्यूल यूज करेंगे जो एंटी एक्नी हो, ऑयल कंट्रोलिंग हो, सीबम रेगुलेटिंग हो. सो विल यूज मैंडेलिक एंड सैलिसिलिक, बिट ऑफ सैलिसिलिक, मैंडेलिक एंड कोजिक ग्लाइकोलिक. आपको थोड़ा सा टेक्सचरल चेंजेस देंगे, इवन टोन देंगे और नरिसिंग होंगे. इसमें मैं स्कार पे कुछ वर्क नहीं कर रही हूँ, आई जस्ट अ बिट हाइपर पिगमेंटेशन कम होंगे. दिस आर द पील्स विच इज सेफेस्ट पील और कह सकते हैं माइल्ड पील जो स्टार्ट करेंगे. आफ्टर केयर में आपको सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा. I will get to see the result just after the treatment or 1-2-3? Yeah, after the treatment you feel, but the results are evident after a week. Okay. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जब ऑडियंस मेरी यूट्यूब वीडियो देखेगी तो आई एम श्योर कि उनके माइंड में ये सब चीज़ें आएंगी. तो केमिकल पीलिंग मैंने कराई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए उनको कि केमिकल पीलिंग क्यों कराता है कोई, किस प्रॉब्लम के लिए बेसिकली. केमिकल के नाम पे लोग थोड़ा डर जाते हैं, इट्स अ केमिकल, राइट. बट सी, अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, दिस इज अ लैक्टिक एसिड पील जो जनरली पार्टी पील कहते हैं या ग्लो पील कहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ पील्स, बहुत सारे वैरायटी होते हैं. तो लैक्टिक एसिड पील इज अ पील दैट इज डिराइव फ्रॉम द कर्ड एंड मिल्क. सो व्हाई दिस इज केमिकल, बट द एक्चुअली द लैक्टिक एसिड इज अ केमिकल. सिंपली इसकी जो इंटेंसिटी और जो परसेंटेज है वो डिसाइड करती है कि हमें किस एक्सटेंट तक पील की डेप्थ को लेके जाना. तो देर आर लॉट्स ऑफ पील्स जो माइल्ड होती है, जो सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे काम करती है, दैट इज फॉर स्किन रेजुविनेशन. कुछ इसके आफ्टर केयर होते हैं, ऑब्वियसली वी डिड द पील, सो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगानी मैंडेटरी होती है. बट इट्स लाइक अ मिसनोमर, देयर इज नो हार्म एट ऑल इफ यू लाइक पील्स आर डन बाय एक्सपर्टाइज. तो ये डूज हो गए, डोंट्स कुछ हैं क्या? डोंट्स मैंने बताया कि अगर आपने प्रीवियसली कुछ ऐसा प्रोसीजर करा रखा है जो आपने डॉक्टर को नहीं बताया, तो लेट द डॉक्टर इन्फॉर्म कि मैंने कुछ प्रोसीजर करा रखा है. डोंट डू द पील्स. फॉर एग्जांपल, आपने वैक्सिंग करा के रखी है या फिर आपने सेविंग कर रखी है, डर्मा प्लानिंग कर रखी है, डर्मा एब्रेशन करके रखी है, या फिर आपने ब्लीच करके रखा है, लेजर करके रखा है, सो 1 वीक्स या 2 वीक्स इंटरवल के बाद ही पील्स को प्लान करें. या कट मार्क्स है, इन्फेक्शन है आपके स्किन पे, तो पील्स को ना कराएं. सेकेंड, आफ्टर केयर में होता है कि यू हैव टू अप्लाई सम एंटी इन्फ्लेमेटरी पोस्ट प्रोसीजर क्रीम्स टू सूथ डाउन योर स्किन एंड सन प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी थिंग्स. इज इट पॉसिबल कि कोई यहाँ पे आए, स्किन एनालिसिस करा के चला जाए, ऐसा कुछ है वो अपने स्किन को? या वी जस्ट एटॉमिक एक बड़ा प्रोजेक्ट है और एस्थेटिक साइंस इवॉल्व कर रही है पूर्वांचल में विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक. सो हम ये चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हैं कि कोई भी अगर कंसल्टेशन
नहीं कराना चाहता है. ऑब्वियसली कंसल्टेशन तो हमेशा मस्ट होता है, फिर भी एक फेस वॉश और मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन तो सभी लगाते हैं. तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उन्होंने ये बात को रखा है प्रोजेक्ट को कि कोई कोई प्रोडक्ट्स अपने स्किन के अकॉर्डिंग चाहता है, फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश, सो वो हमारे एटॉमिक के फार्मेसी में आके अपने स्किन टेस्ट करा के अपने स्किन के अकॉर्डिंगली कुछ प्रोडक्ट्स जैसे फेस वॉश और सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर ले सकते हैं. अच्छा, और एक्टिव एक्ने वाले भी करा सकते हैं केमिकल पीलिंग? पील्स सभी लोगों के लिए होती है. पील्स के टाइप्स हो जाते हैं, जैसे एक्टिव पिंपल्स के इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं अगर आपने पील कराया. सो पील में बेसिकली क्या होता है, मैं एक्नी पे थोड़ा ब्रीफ करूं क्योंकि एक्नी के पेशेंट्स काफी परेशान हैं लोगों का ट्रीटमेंट करा करा के. सी होता है क्या, एक्नी एक टाइप ऑफ स्किन है, ऑयली स्किन है, जहाँ पे दिस इज अ सीबेसियस ग्लैंड. सो सीबेसियस ग्लैंड उनमें एक्टिव होती है, उनमें ओवर प्रोडक्टिव होती है, तो वो ऑटोमेटली उनकी सीबम प्रोडक्शन हाई होती है. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सीबम प्रोडक्शन को मोटिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हार्मोनल डिसबैलेंस हमारे अंदर है, डर्ट, मॉइस्ट, या फिर सम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो ब्लॉक कर रहे पोर्स को, या सन, ये हमारे सीबीसी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं टू प्रोड्यूस मोर सीबम. सी सीबम आपके पाइलअप हो गया आपके स्किन के अपर लेयर में, और बाय द वे कहीं से भी इन्फेक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल डर्टी मोबाइल से, पिलो से, या फिर धूल से, या फिर हाई हैंड से, तो वो इन्फेक्शन पिंपल के रूप में आ जाएगा. सो बेसिकली पील्स कहाँ मैजिक करता है, यहाँ पे पील जो ऊपर लेयर के स्किन है वो हटाती है, पोर्स ओपन होते हैं और सीबम बाहर आता है. सो पेशेंट रिलीफ फील करता है. आई लव केमिकल पील्स, राइट. मुझे लगता है कि कम लागत में कुछ आप कुछ अच्छा रिजल्ट चाहते हो, दैट इज अ पील्स. अच्छा, फैकल्टी मेंबर्स में आप सिर्फ यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे डॉक्टर आशीष हैं जो डायरेक्टर है, वो मेटाबॉलिक फिजिशियन है, हार्मोन्स के डॉक्टर्स हैं. मैं को फाउंडर हूँ, डॉक्टर स्नेहा. मैं एस्थेटिक्स लेजर एंड एंटी एजिंग एक्सपर्ट हूँ, बोटॉक्स फिलर, एंड आई एम ऑल्सो असिस्टिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट. एंड डॉक्टर प्राची हैं जो कोर डर्मेटोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज को देखती हैं. डॉक्टर स्वाति हैं जो डेंटल सर्जन है, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री को देखते हैं. डॉक्टर आदित्य नारायण चौधरी हैं जो प्लास्टिक सर्जन है हमारे. एंड डॉक्टर अनुराधा मैम है जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट है. तो वी आर अ टीम ऑफ एस्थेटिक्स डॉक्टर्स. सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक सेंटर पे आने के बाद में आपको कहीं और जाने की जरूरत है. एक ही जगह पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बहुत अच्छा देती हूँ, पिंपल एंड मेलाज्मा जो दो कॉमन प्रॉब्लम है जिससे बहुत लोग जूझ रहे हैं, दोनों ही हार्मोनल है, राइट, और दोनों ही मेडिसिन से ठीक नहीं होते. सो वी नीड हायर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, वी नीड इंडोक्राइनोलॉजिस्ट और हार्मोनल इवेल्युएशन. तो ये तीनों चीजें एक साथ ही एक ही सेंटर पे मिल जाती है. इट्स अ वन स्टेप सेंटर आपको, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ की जिंदगी में आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकते. सो पहला अपॉइंटमेंट आपने एस्थेटिक से लिया, सेकेंड आपने लेजर सेंटर में गए, थर्ड आपने इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से लिया. सो इट्स लाइक एक ही जगह पे आपको सारी चीजें हो गई. कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन भी ओवरलैप करती है. सेम डॉक्टर्स ने तीनों जगह सेम ही डॉक्टर लिखा है, पर पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ दैट एंड टेकिंग ऑल द क्रीम्स. सो ये भी एक चीजें यहाँ पे नहीं होती है. और प्लास्टिक सर्जरी में क्या, राइनोप्लास्ट वगैरह, नोज वगैरह? प्लास्टिक सर्जरी तो एंडलेस चीजें, जैसे कि मैं आपको बताऊँ जिसपे हमें बात करना चाहिए. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो विटिलिगो की सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन गायनोकोमेस्टिया जो मेल ब्रेस्ट हो जाते हैं वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम, ईयर लोब रिपेयर हो गया, राइनोप्लास्टी अगर आपकी नोज जो ड्रुप है वो हो सकती है, फेस में थ्रेड लिप्स से फेस ऊपर हो सकता है, लाइपोसक्शन अनवांटेड आपकी फैट है कहीं पे अगर टमी में तो वो हो सकती है, टमी टक्स होता है, ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन होता है, किसी तरह की लाइपोमा रिमूवल हो गया या जेंथलिज्मा रिमूवल हो गया, आँख के ऊपर भी व्हाइट स्पॉट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट जो मोस्ट कॉमन है वो प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं. एंड ये सब जो छोटे छोटे मैंने प्रोसीजर बताए जिसके लिए पेशेंट्स और प्री ब्राइडल्स भी काफ़ी आती हैं, जो जैसे कोई मार्क्स है जिसका रिवीजन सर्जरी कराना है, फॉर एग्जांपल बहुत से बड़े मार्क्स हैं. अच्छा. तो वी डू ऑफर ऑल ट्रीटमेंट्स. हम एस्थेटिक्स में भी बताते हैं कि क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है लेजर से, और ये भी बताते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से क्या हो सकता है. सारे ट्रीटमेंट्स क्या इसी क्लिनिक पर होते हैं? नहीं, कुछ ट्रीटमेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं जो सर्जरी रिलेटेड है. कंसल्टेशन, लेजर ट्रीटमेंट्स, माइल्ड ट्रीटमेंट्स यहाँ होते हैं,
डर्मेटोसर्जरी यहाँ होती है, बट बड़ी बड़ी सर्जरी या फिर प्लास्टिक सर्जरी वो हॉस्पिटल्स में होती है। अच्छा, लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट भी होता है? या लेजर्स के सारे चीज़ें हमारे लेजर्स, पहले मैं लेजर के बारे में बताऊंगी, ऑल लेजर्स आर नॉट सेम। हमें क्या कहते हैं, हम ये लेजर करेंगे, देर आर लॉट्स ऑफ एटलीस्ट 8 or 10 टाइप्स ऑफ लेजर जो अलग अलग होते हैं। सो लेजर हेयर रिडक्शन अलग लेजर है, स्कार के लिए अलग लेजर है, देन पिगमेंटेशन के लिए अलग है, विटिलिगो के लिए अलग है। हमें वेडिंग सीजन आ रहे हैं तो ब्राइडल्स के लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहोगे? सो ब्राइडल्स के लिए हम हमेशा उनके फेवर में रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइड प्री ब्राइडल्स जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत कंफ्यूज रहती हैं अपने हर चीज़ों को लेके, वो ड्रेस हो चाहे वो स्किन हो या बॉडी हो, और छोटे से पीरियड में उनको सब कुछ ही करना रहता है। सो मैं उनके लिए बोलूँगी पील्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, डोंट स्केयर अप पील्स। अगर पील्स से बहुत डर लगती है तो डोंट एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग। आप मेडिफेशियल्स करा सकते हो, कार्बन लेजर मेडिफेशियल इज अ गुड ऑप्शन, अनॉक्सीपोड एंड अकोरियन ग्लास इज अ वेरी गुड, हाइड्राफेशियल इज अ गुड ऑप्शन जो सेफ है, क्लिनिक्स में होती है, मेडिकल एक्सपर्टाइज के ओपिनियन में होती है, और देर इज अ नो दिज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेडिफेशियल, दिज आर रिजल्ट ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक्ने हैं या फिर आपको पिंपल है या फिर ओपन पोर्स है तो प्रोडक्ट्स आर लाइक दैट, दे यूज द थिंग्स। अगर फाइन रिंकल्स है तो यूज द रेडियो फ्रिक्वेंसी टाइटनिंग, सो वो आपको एक रिलैक्सिंग भी देगी। मेडिफेशियल्स आर लाइक मेडिकेटेड फेशियल्स, सो इट्स अ फेशियल जो रिलैक्स करता है एंड मेडिकेशन जो ट्रीट करता है। तो प्री ब्राइडल्स में ये बहुत कॉमन पैकेजेस में चूज करते हैं, लेजर हेयर रिडक्शन फॉर अनवांटेड हेयर ऑफ प्राइवेट एरिया एंड सम फेसियल एंड अंडर आर्म। सो ये हमारे यहाँ अल्मा सोप्रानो से होती है जो पूर्वांचल में सिर्फ एटॉमिक के पास है, एंड इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट हार्मोनल केसेस में भी, अगर मतलब हार्मोन से रिलेटेड भी अगर हेयर है उसमें भी रिजल्ट्स हैं। थैंक यू मैम, यू हैव आंसर्ड आई थिंक सो ब्यूटीफुली एवरीथिंग। इसके बाद किसी को कोई डाउट नहीं होगा या क्योंकि ये मैंने आंसर इसलिए सिंपल किया क्योंकि वाराणसी ऐसा प्लेस है जिससे मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ, और काफी लोगों ने मुझे कहा कि एस्थेटिक क्लिनिक्स तो बैंगलोर में खोलने चाहिए। जैसे मैं कोलकाता की हूँ, काफी लोगों ने बैंगलोर सजेस्ट किया, किसी ने दिल्ली सजेस्ट किया, पर मुझे लगा वहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ के लोग ऑलरेडी ये चीजें बेनिफिटेड हैं, और जहाँ से मैं अटैच फील करती हूँ, जहाँ मैं मेरी शादी होने के पहले मैं बनारस से बहुत अटैच हूँ, मुझे वहां एजुकेट करना चाहिए पीपल्स को जहाँ पे ये नहीं है। सो मैं अपने सारे चीजों को सिंप्लीफाइड करके बोलना चाहती हूँ कि लोग समझे और इसको कराए। वी वेस्ट ऑन मनी इन लॉट्स ऑफ थिंग्स, वाई शुड नॉट डू द थिंग्स जो मेडिकली अप्रूव्ड है, वो रिजल्ट्स दे रहा है। सो वाराणसी की जनता, मैंने एक साल में काफी मतलब मुझे लगता है 10,000 पेशेंट से ज्यादा मैंने पेशेंट्स देखे हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि बनारस भर नहीं रहा है, क्योंकि बनारस समझ रहा है तभी तो भर रहा है। और मुझे लगता है जो मेरा एक ड्रीम है, मैं एक एशिया का सबसे बड़ा एंटी एजी सेंटर बनाना चाहती हूँ बनारस में, क्योंकि बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ मेडिकल टूरिज्म काफी प्रचलित है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, और मेरे एटॉमिक में खासकर बहुत पेशेंट आ चुके हैं जो आउट ऑफ इंडिया है और सिर्फ वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अगेन मैं वाराणसी पीपल को ये बताना चाहूंगी कि ये ट्रीटमेंट्स आउटसाइड इंडिया बहुत कॉस्टली होते हैं, सो दे आर एजुकेटेड, दे नो द थिंग्स, दे नो आवर लेजर, बट हमारे वाराणसी के लोग नहीं जानते कि हमारे पास लेजर क्या है, बट दे नो, और वो बुकिंग कराते हैं, आराम से ट्रीटमेंट्स लेते हैं और चले जाते हैं। सो वाराणसी का में रोजगार भी बढ़ेगा अगर हम लोग एंटी एजिंग का सेंटर प्लान करते हैं, और वाराणसी के लोग भी खूबसूरत होंगे। एक और बात वाराणसी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि मैं एस्थेटिक्स ही नहीं रन करती हूँ, मैं एक एनजीओ रन करती हूँ, इसका नाम है राइट टू बी ब्यूटीफुल। सो राइट टू बी ब्यूटीफुल इज ए एनजीओ, दैट मीन्स एवरी वन हैव अ राइट टू लुक ब्यूटीफुल, नॉट एजुकेटेड, नॉट द रिच पीपल। ये एनजीओ उन लोगों के लिए है जो किसी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के कारण उनकी कॉन्फिडेंस लो हो रही है, शादी में रिजेक्शन हो रहा है, या फिर वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रही है, या फिर वो बहुत डाउन फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट उनकी लो हो रही है, अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो नॉट इट्स अफोर्डेबिलिटी, अगर आपकी नीड है और आप ये कराना चाहते हैं, आई एम द पर्सन, कॉन्टेक्ट मी, आई विल डू इन अ नॉमिनल प्राइस विद सेम लेजर विद माई हैंड, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी के पास कुछ है तो लेट्स लाइक स्प्रेड ऑल ओवर द थिंग्स, कभी हो सकता है उनके पास कुछ चीजें जो मुझे मिल जाए। सो वाराणसी के लोग में किसी को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जो जैसे कि यहाँ पे अनचाहे बाल होते से शादियाँ कट जाती है, कुछ कट मार्क्स होते हैं, भी बहुत लोगों को मेरे साथ है। हाँ, मोल शादी या फिर कट मार्क्स होते हैं, एक्सीडेंट हुआ होता है कोई, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है, विटिलिगो है जिस शादी नहीं हो रही है, तो कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। अगर एनजीओ के पेशेंट होंगे तो एनजीओ में डेफिनेटली इनरोल करके उनका ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव है करेंगे। ओके, थैंक यू मैम, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा।